सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग, हमारी प्लाजो की लंबाई है वो है 37, कमर है वो है 34, मोहरी है वो है 30। 14 इंच का हम इस आसन बनाएंगे। ये कपड़ा है वो हमारा 2 मीटर है। पहले हम ये कपड़े को डबल करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को डबल किया है। अब हम यहाँ से इसकी मोहरी लेंगे। 15 हमारी मोहरी है, 15 × 30, तो हमें यहाँ से 1 इंच बढ़ा के लेंगे जो सिलाई के लिए। चौदह इंच हम यहाँ पे आसन का ये शेप देंगे। 34 हमारी कमर है तो हम यहाँ पे 18 लेंगे 1 इंच बढ़ा के। इस तरीके से हमने गोलाई दी। इस तरीके से हम यहाँ पे इंची टेप को ये शेप देंगे। अगर आप मोहरी कम करना चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। आसन हमने 14 इंच का लिया है। ये हमारी मोहरी है, यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरीके से हल्का सा गोलाई देंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1-1 इंच हम इसको अंदर के साथ इस तरीके से दबाएंगे। ये हमने दोनों साइड नीचे की साइड से थोड़ा सा गोलाई दिया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे तो इसके लिए हमें अंदर दूसरे कपड़े की पट्टी लगानी है, तो हम इसकी पट्टी लगाएंगे। ये हम अंदर की साइड सबसे पहले हम मोहरी पे सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम फिटिंग करेंगे। यहाँ तक ये हमारा आसन है, ये शेप गया है, यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम फिटिंग करने के बाद एक आसन हम इस तरीके से हम ये दोनों आसनों को जोड़ देंगे जब हमारी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। दोनों आसनों को इस तरीके से जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पे इसको खुला छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। हम ये पट्टी लगाएंगे।
सीधे की लंग हमें पट्टी लगाएंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम इसकी मोरी पे सिलाई लगाएंगे। ये हम सिलाई एक एक इंच अंदर की साइड दबाएंगे। अब हम इसको डबल करके सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ज्यादा फिटिंग करनी है तो आप ज्यादा भी सिलाई लगा सकते हैं। हम इसको इस तरीके से दबा के सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे कपड़े की रूआ अंदर की साइड हो जाएंगे। ये हमारा आसन है। हमने ये सिलाई यहाँ से फिटिंग करी है जितनी हमें फिटिंग करनी है। इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। अब हमारा ये आसन है, ये हमारा दूसरा आसन है। तो ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा है आसन का, ये दोनों आसनों को हम बराबर इस तरीके से मिला के सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी। अब हम अंदर की साइड दबाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे। ये पट्टी हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अंदर की साइड दबाएंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये हमारी पट्टी कम है तो दूसरा जोड़ लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। ये हमने इलास्टिक ली है वो है 31.3 इंच। हमने कमर से कम काटी है इलास्टिक, जैसे हमारी 34 कमर थी तो हमने 3 इंच इलास्टिक कम ली है।
ये हमने ली है। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लें जिससे हमारी इलास्टिक बराबर दब जाए। दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और ये चुन्नटें बराबर कर लें जिससे ये हमारा कपड़ा बराबर हो जाए। अब हम इसको इस तरीके से खींच के सिलाई लगाएंगे। ये हम आसन के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं अंदर का कपड़ा दबाते हुए। ये हमारा आसन हो गया। इस पे जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से प्रेस करेंगे इसको खोल के। ये तैयार हो गया हमारा प्लाजो। ये हमारा प्लाजो बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।